Hello everyone, in this video I will explain about the database query. यानि इस वीडियो में हम जो है जो सिलेबस है हमारा 2020 और 21 सेशन के CBSE बोर्ड IP एग्ज़ाम के लिए उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैंने MySQL टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो एक एक कमांड को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपका MySQL पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, एक एक टॉपिक को समझिए, फिर उसको अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आपका प्रैक्टिस ओके हो जाता है तो MySQL जितना आपको पढ़ना है 2020 और 21 सेशन के लिए वो सभी टॉपिक मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें MySQL ऑर्डर बाई कमांड पढ़ना है और इसके पहले टेबल कैसे बनाना है और क्वेरी कैसे करना है ये सभी कमांड जो है हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में वही कमांड एक्सप्लेन किया है जो हमें क्लास 12 में पढ़ना है। तो MySQL ऑर्डर बाई कमांड क्या है, डैट मीन ऑर्डर बाई कमांड, ऑर्डर बाई क्लॉज, ये क्या होता है किसी टेबल में किसी डेटा को सॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। यानी सॉर्ट का मतलब होता है टेबल में रिकॉर्ड्स को अरेंज करना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग। यानी आपने एक टेबल बनाया है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा है, आप चाहते हैं कि अल्फाबेटिकली हम उस रिकॉर्ड टेबल के रिकॉर्ड्स को अरेंज करें तो आप ऑर्डर बाई क्लॉज के हेल्प से कर सकते हैं। आप रोल नंबर वाइज कर सकते हैं या किसी भी उस टेबल के किसी भी फील्ड से आप अपने फाइल को अपने टेबल को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी MySQL ऑर्डर बाई क्लॉज इज यू टू सॉर्ट द डेटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट डेटा इज नॉट इंसर्टेड इन टू टेबल इन एनी ऑर्डर अनलेस वी हैव एन इंडेक्स। So if you want to retrieve the data in any particular order, we have to sort it by using MySQL order by a statement. यानी अगर आप किसी tables के records को arrange करना चाहते हैं किसी particular order में तो आप उस records को arrange करने के लिए order by clause के help से आप arrange कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने table बना लिया और उसमें 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इनपुट कर दिया, अब हम चाहते हैं कि हमें जो रिकॉर्ड डिस्प्ले करे वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए तो हम इस ऑर्डर बाई क्लॉज के हेल्प से देख सकते हैं। अब सिंटेक्स क्या है कि यहाँ पे आप देखिए सेलेक्ट है और कॉलम नेम है और फ्रॉम टेबल अपना नाम देंगे फिर ऑर्डर बाई किस कॉलम से आपको कौन सा कॉलम को आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इस तरह से आप कमांड का ये सिंटैक्स है। हम इसके हेल्प से इस सिंटैक्स के हेल्प से हम अरेंज कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे है कि सपोज वी आर हैविंग ए स्टूडेंट टेबल विद द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास कोई पहले से हमने स्टूडेंट टेबल बना रखा है और उसमें डेटा क्या है, रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स है। स्टूडेंट्स का रोल नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, नेम दिया हुआ है यहाँ पे, क्लास दिया हुआ है और मार्क्स दिया हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको जो है क्लास वाइज ऑर्डर कर दें, अरेंज कर दें। पहले क्लास 10 का स्टूडेंट है, फिर स्टैंडर्ड 1 का है, फिर 10 का है, फिर 2 का है। तो आप अगर चाहते हैं कि सभी 10 के स्टूडेंट एक साथ हो जाएं, 1 के स्टूडेंट एक साथ हो जाए, 2 के स्टूडेंट एक साथ हो जाए, मतलब क्लास वाइज डेटा डिस्प्ले करने के लिए, तो फिर आपको कौन सा कमांड यूज करना होगा, ऑर्डर बाई क्लॉज यूज करना होगा। तो कैसे यूज करेंगे, तो आप कमांड लिखेंगे अपने कंप्यूटर पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई क्लास। जैसे देख रहे हैं आपको यहाँ MySQL प्रॉम्प्ट मिलता है, यहाँ हम टाइप करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई क्लास। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि ये स्टूडेंट टेबल आपके कंप्यूटर में पहले से बना हुआ रहना चाहिए, अगर नहीं बना हुआ है तो हम बना लेंगे, ये सभी रिकॉर्ड्स को एंट्री कर लेंगे तब इस कमांड को इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई क्लास। अब यहाँ पे आपको जो है देखिए, पहले आपका डेटा किस तरह से था, अब कैसे आ गया, यानी रोल नंबर वन जो था वो सबसे टॉप पे था, प्रेरणा जो है, प्रिया का जो है डेटा जो है सबसे फर्स्ट में था, और क्लास टेन का था। जब हम इसको क्लास वाइज ऑर्डर किए तो सबसे पहले वन का आ गया, यानी मोहक का आ गया जिसका रोल नंबर टू है, फिर रोल क्लास स्टैंडर्ड टू का जो स्टूडेंट है अनिल उसका आ गया, फिर टेन का सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक साथ हो गया। यानी आपने इसको क्लास वाइज अरेंज किया। अगर आप चाहते हैं कि हम नेम वाइज अरेंज करें तो आप नेम वाइज अरेंज कर सकते हैं। कैसे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई नेम कर देंगे। इसी तरह से आपको जिस फील्ड से अरेंज करना है ऑर्डर बाई, उस फील्ड का नाम यहाँ पे क्लास के जगह पे लिख देंगे, वैसे आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। अब कह रहा है क्वेरी रिजल्ट विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्लास, वी नॉट स्पेसिफाई ASC और DSC इन द क्वेरी, देन असेंडिंग क्लॉज इज अप्लाइड बाई डिफॉल्ट। यानी अगर आपको रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो आपको ASC लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आपको DESC लिखना पड़ेगा, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। यानी बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर जो है, जब हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। आगे हम देखते हैं, सपोज वी हैविंग ए स्टूडेंट टेबल विद द फॉलोइंग डाटा। मान लिया जाए हमारे पास वही सेम रिकॉर्ड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, वही सेम स्टूडेंट है, रोल नंबर नेम ये दिखाया। अब हम इसको, इस डेटा को जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं। आपने पहले वाला प्रीवियस एग्जाम्पल देखा असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें हमने कहीं भी ASC नहीं लिखा था, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए हमको DESC लिखना पड़ेगा। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई क्लास, और किस ऑर्डर में करना है, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कमांड दिखा रहा है, जैसे कि हमने कमांड टाइप किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई क्लास DESA, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। यानी सबसे पहले क्लास 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाया, उसके बाद स्टैंडर्ड 2 का, फिर 1 का, यानी ये आपको घटते हुए क्रम में दिखाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और बढ़ते हुए क्रम में देखना हो तो आप असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए हमको यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई क्लास, यहाँ ASC लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए हमको DESC लिखना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज वी आर हैविंग ए स्टूडेंट टेबल विद द फॉलोइंग डेटा। मान लिया जाए सेम स्टूडेंट मेरा टेबल है, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें दो फील्ड पे हम लोग इसको रिकॉर्ड को अरेंज कर रहे हैं। कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई क्लास, क्लास जो है असेंडिंग ऑर्डर में आए, और मार्क्स भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करें। तो देखिए यहाँ पे क्लास आपका हो गया 1, उसके बाद स्टैंडर्ड 2, फिर 10, और मार्क्स भी असेंडिंग ऑर्डर में है, मैंने 99 वाला को ज़्यादा है, उसके बाद 82, फिर 84 और 88। यानी इसमें क्या आप देखें, 10 का 3 स्टूडेंट है, तो इसमें किस, कौन से क्लास 10 के स्टूडेंट का रिकॉर्ड पहले दिखाएगा, तो जिसका सबसे असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं तो सबसे कम वाला होगा उसको सबसे पहले दिखाएगा, उसके बाद वाला को दिखाएगा, फिर उसके बाद वाला दिखाएगा। यानी आप दो फील्ड पे भी रिकॉर्ड को अरेंज कर सकते हैं। अब ये दूसरा एग्जांपल है, मान लिया जाए कि हमें अपने स्टूडेंट्स के टेबल में जो है क्लास असेंडिंग ऑर्डर में दिखाए और मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए, उसके लिए कमांड है। तो कैसे यूज करेंगे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई क्लास, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया ASC, या मार्क्स DESC। तो इसमें देखिए कैसे दिखा रहा है, पहले तो क्लास वाइज हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया 1, 2, 10, अब इसमें देखिए अब मार्क्स कैसे दिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। तो 1 का 99, 2 का है, अब ये 10 जो है 3 स्टूडेंट क्लास 10 का है, तो इसमें से कौन से 10 स्टूडेंट्स को पहले दिखाएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले दिखाएगा।
तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिया का है 88 दिखाया, फिर उसके बाद विशाल का मार्क्स है तो 84 वाला को दिखाया, और सबसे कम विमल का है तो सबसे नीचे दिखाया। यानी आप एक से ज़्यादा फील्ड पे भी अपने टेबल के रिकॉर्ड को अरेंज कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय हेल्प ऑफ ऑर्डर वाइज क्लॉज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा कमांड है वो है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, द ग्रुप बाय क्लॉज यानी इज ए ग्रुप इज ए सेट ऑफ रो एंड रिकॉर्ड्स इनटू द सेट ऑफ समरी रो रिकॉर्ड्स बाय वैल्यू ऑफ कॉलम और एक्सप्रेशन इट रिटर्न वन रो फॉर इच ग्रुप। वी ऑफन यूज द ग्रुप बाय क्लॉज विद द एग्रीगेट फंक्शन सच एज सम एवरेज मैक्स मिनिमम एंड काउंट। द एग्रीगेट फंक्शन दैट अपीयर्स इन द सेलेक्ट क्लॉज प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट इच ग्रुप। द ग्रुप बाय क्लॉज इन एन ऑप्शनल क्लॉज ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। यानी ग्रुप बाय क्लॉज जब हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम अपने प्रोग्राम में हम अपने कमांड में अगर हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सम एवरेज मैक्स मीन एंड काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। तो इसके साथ जब भी हम यूज करेंगे तो ग्रुप बाय क्लॉज यूज होगा। अब इसका जब हम एग्जांपल देखेंगे तो हमको बेहतर तरीका से ये समझ में आ जाएगा। सपोज वी हैविंग द स्टूडेंट टेबल विद द फॉलोइंग डेटा। मान लिया जाए कि हमारे पास जो है स्टूडेंट टेबल है पहले से, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ग्रुप वाइज देखना है। तो हमने यहाँ कमांड दिया सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट क्लास, क्लास क्या है, फील्ड का नेम है, फ्रॉम ए स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। अब ग्रुप बाय क्लास हमको देखना है, जैसे कि यहाँ देख लिए सेलेक्ट क्लास फ्रॉम ए स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। तो कौन कौन से क्लास में ग्रुप है, तो एक आपका स्टैंडर्ड वन का स्टूडेंट है, दूसरा यानी आज इस क्लास में टोटल 3 ग्रुप्स हैं। तो देखिए क्लास वन दिखाया, 2 दिखाया और 10 दिखाया। इसमें कितने डिफरेंट क्लास हैं, 3 ही क्लास है, स्टैंडर्ड 10 है, 1 है और 2 है, तो यानी 3 ग्रुप है। तो यहाँ 3 ग्रुप दिखाया, सेलेक्ट क्लास किए फ्रॉम ए स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं माई एस क्यूएल ग्रुप बाई विथ एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, ये हमारा टेबल है जो आप देख रहे हैं, सेलेक्ट क्लास, क्लास को मैंने सेलेक्ट किया, काउंट कर रहे हैं फ्रॉम ए स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा क्लास इस कौन से क्लास जो है हमारे टेबल में नंबर ऑफ कितने हैं। तो क्लास वन कितना है, 1 है, 10 कितना है, देखिए यहाँ क्लास वन इस टेबल में 1 दिखा रहा है और 10 देखिए 1, 2, 3 है और 2 भी 1 है। तो हमने क्या किया, काउंट किया, काउंट क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो देखिए क्लास वन दिखाया 1, 2, 1 और 10, 3, यानी ग्रुप बाई आपने इसको, दिस इज यू टू यू द काउंट एग्रीगेट फंक्शन विद द ग्रुप बाई क्लॉज। उसी तरह से हम इसमें एवरेज मार्क्स निकालेंगे ग्रुप वाइज, मतलब कौन से क्लास का एवरेज परसेंटेज कितना गया है अगर मुझे देखना है, तो सिलेक्ट क्लास एबीजी मार्क्स फ्रॉम ए स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। यानी स्टैंडर्ड वन का एवरेज मार्क्स जो गया है 99% गया है, और स्टैंडर्ड टू का 82 और 10 का जो है 84% गया है, ठीक है। तो ये आपका मार्क्स हो गया, यानी आप एवरेज मार्क्स ग्रुप वाइज निकाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग ऑर्डर वाइज क्लॉज ग्रुप वाइज फंक्शन के साथ हम लोग को यूज करना है। जैसे सेलेक्ट क्लास एवरेज मार्क्स निकालिए फ्रॉम ए स्टूडेंट वेयर क्लास लेस है 10 के, ग्रुप वाइज क्लास ऑर्डर वाइज मार्क्स डीसी। तो आप देखिए 1 का दिखाया और फिर ये 2 का दिखाया। अब हम लोग को इसमें हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। देखिए एक आपका कमांड यूज होता है वेयर क्लॉज, तो वेयर क्लॉज कंडीशन के लिए यूज करते हैं। तो हैविंग क्लॉज कहाँ यूज होगा, जहाँ पे हम ग्रुप बाई क्लॉज यूज करेंगे वहाँ वेयर के जगह हमें हैविंग क्लॉज यूज करना होगा। यानी द हैविंग क्लॉज इज यूज इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई फिल्टर कंडीशन फॉर ए ग्रुप ऑफ रो और एग्रीगेट। द हैविंग क्लॉज इज ऑफन यूज विद द ग्रुप बाई क्लॉज टू फिल्टर द ग्रुप बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। टू फिल्टर द ग्रुप रिटर्न द बाई ग्रुप बाई क्लॉज वी यूज ए हैविंग क्लॉज। Where is applied before group by
हैविंग इज अप्लाइड आफ्टर एंड कैन फिल्टर एंड एग्रीगेट, वेयर क्या कहाँ अप्लाई होगा, बिफोर ग्रुप बाय क्लॉज, एंड हैविंग इज अप्लाइड आफ्टर ग्रुप बाय क्लॉज के आफ्टर एंड कैन फिल्टर ऑन एग्रीगेट्स। तो हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल में हम लोग को क्लियर समझ में आएगा। जैसे वी हैविंग द स्टूडेंट टेबल, ये मेरा टेबल है, सेलेक्ट क्लास एवरेज मार्क्स फ्रॉम ए स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास, क्लास को ग्रुप बाई कर दिए, और किसको हम लोग को किसके रिकॉर्ड्स को देखना है, जिस स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 90 से लेस हो वैसे क्लास के ग्रुप को हमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है। तो देखिए आपने हमने कमांड यहाँ दिया, सेलेक्ट क्लास ए बी जी मार्क्स फ्रॉम ए स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास हैविंग एवरेज मार्क्स लेस 90, वैसे ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाइए जिसका मार्क्स 90 से लेस हो, तो वो हमारा स्टैंडर्ड 2 में है जिसका 90 से लेस है, और स्टैंडर्ड 10 में भी है जिसका हमारा 90 से लेस है। तो इस तरह से ग्रुप बाई क्लॉज के साथ आप कंडीशन जब यूज करेंगे वहाँ आपको हैविंग क्लॉज यूज करना होगा। अब हमें काउंट करना है, क्या काउंट करना है, ग्रुप बाई क्लास हैविंग काउंट लेस 3, जो 3 से कम है जिसका एवरेज मार्क्स वैसे स्टूडेंट्स को हम लोग को काउंट करना है। ओके क्लास, तो यानी आपने इस वीडियो में देखा हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाई क्लॉज, ऑर्डर बाई क्लॉज। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर जो कमांड दिया गया है, जो टेबल दिया गया है, आप अपने कंप्यूटर पर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।